उन्हें भी इनकर बगान बाटे उन्हें ये खेती करे ले। देखी चिप्स कुरकुरा ठंडा और पेट्रोल। ये देखी बाढ़ वाला पानी कितना ज्यादा आ गई बाटे। बाढ़ के पानी पहला बार हमनी के क्षेत्र में नहीं खे आई। क्या हाल बा भाई लोग, तो आज के ब्लॉग के शुरुआत हमारे यहाँ से होता और अभी सुबह हो चुकल बा और सुबह के 6:30 होता और सुबह सुबह ही ये देखी सब है आ गई सरकारी नल जल वाला पानी। बाकी एकरा के हम कर देता नहीं बंद कहें से कि हमारा भी बाटे पानी और अभी हम जाता नहीं कुछ काम से दुकान पे कहें से कि ले आवे के बाटे बिस्कुट और बिस्कुट खही है नित्यानंद बड़े नित्यानंद और सुबह सुबह ही अभी चलावा तेरे मोबाइल का लेवे के बाहो दुकान पर से अभी जाता नहीं हम ले आवे खातिर बिस्कुट और ये थोड़ा बेचारू डिस्टर्ब हो गई बड़े कहें से कि इनका हो गई पैर में दिक्कत नहीं कह के मंगवा वाले बड़े कहाँ भी घड़ी हो और ये घड़ी रखल भी है यही जा कितना का पड़ल है वो 1450 ब्लूटूथ कनेक्टर और ये पड़ल बटे 1450 के और ये रहल इनकर स्मार्ट वॉच। अभी घर गई नहीं आता पता चल कि श्रेया गई बड़ी दुकान पे बिस्कुट लेवे खाते तो हमार प्रोग्राम कैंसिल हो गई हम निकल जाते दुकान पे और अभी हम जाता नहीं रोड साइड कुछ अलग चीज़ आप लोग के दिखावे खाते। बात कुछ ऐसा बाकी हमनी के क्षेत्र से बाढ़ वाला पानी खत्म हो गई रहा हटे और कल से अचानक पूरा पानी आवे के शुरू हो चुकल बाटे काहे से कि गंगा के जल स्तर जो बात काफ़ी तेज बढ़ रहा बाटे। ये देखी बाढ़ वाला पानी कितना ज़्यादा आ गई बाटे कल तक या कुछ ना रहा हटे बिल्कुल सब कुछ क्लियर दिखाई देते रहा हटे और यहाँ पे अब घास उस भी निकल गई रहा है। बाकी अचानक से इतना ज़्यादा पानी आ गई कि पूरा पानी ही पानी दिखाई देता चारों तरफ में। बाढ़ के पानी के खबर सुन के गाँव के लोग हो गई परेशान कहें से कि बाढ़ के पानी ख़त्म हो गई रहा हटे और कोनो उम्मीद ना रहा कि अब आई दोबारा से लौट के आ गई बा दोबारा ना ये तीसरा बार है पानी के और अब की बार के रफ्तार कुछ ज़्यादा ही बा तो ऐसा लगता है कि अब की बार के पानी गांव में पूरा बढ़िया से चल जाइए अंदर तक। फिर भी गांव के लोग अभी परेशान बैठे कि तीसरा बार के पानी आवा था और अभी रफ्तार बहुत ज़्यादा बा अभी तो पानी केवल खेत में ही आने लागल बा और अभी ए साइड में पानी निखे आई और जौना रफ्तार में पानी बढ़ता यह रफ्तार से ही लागता कि पानी कुछ घंटा में ही गाँव में ही प्रवेश करे लगी कहे से कि रफ्तार बहुत ज़्यादा बा अभी पानी के। अभी रुआ सब देख सकता नहीं कि यहाँ कुछ खाली जगह बा और उन्हें भी थोड़ा कुछ खाली दिखाई देता लेकिन वह सब कुछ ही देर में भर जाए और यहाँ भी कुछ दिखाई देता थोड़ा सा ये सब भी कुछ ही देर में पूरा भर जाए पानी से पानी यहाँ भी आ जाला पूरा ज़्यादा और ये जो रोड बाटे ये रोड पर भी पानी बहुत ज़्यादा लग जाला। ये जो ना रोड पर हम चल तनी बाढ़िया जाए बहुत ज़्यादा तो रोड पर इतना ज़्यादा पानी हो जाला कि सर से ऊपर हो जाला पानी और यह पर चले लगे सनाई और हमनी के बांध पर जब भी जाए के होला घर से बांध पर तो नाई से जाए के पड़ेला कहें से कोनो दूसर साधन ना रहेला। हम टहलते टहलते पहुँच गई बानी बांध पर और बांध पर आके और देखी कितना बढ़िया हवा लागत बाटे और यही में रुआ सब एक चीज़ और देखा देते नहीं हम ये देखी बांध के साइड में भी पूरा पानी आ गई बैठे और बांध के साइड में भी देखी बहुत ज़्यादा पानी लागल बा और ए साइड में भी कल थोड़ा सा भी पानी दिखाई ना देता है मतलब कि ये हमनी के साइड के कंटी मतलब कि कटिन हटे ए में थोड़ा हल्का फुल्का पानी रहे जो हम ये बारा देखें बिल्कुल रौद्र रूप दिखाई देता टे गंगा के या से ऊर्जा तक पूरा एगो उन्हें नदी बा मतलब कि झाड़न हटे फिर भी वह में पानी बहुत ज़्यादा हो गई बा ऊपर तक और वो पानी से पानी के मिलान एकदम पूरा बराबर हो गई बा और ये में देखी वहाँ पे भैंस नहा तरी सब और उन्हें गाय सब घास चर तरी से वैसे देखल जाओ तब तो कुछ भी इन्हें गाय भैंस के चरी कुछ भी ना रह जाए और
पानी बहुत ज़्यादा आ गई बटे। ये पानी कल सुबह तक इन्हें हमने के क्षेत्र में बिल्कुल ना दिखाई देते रहे, जो उनकी आज बहुत ज़्यादा दिखाई देता थे। और अब की परी के यह रौद्र रूप से लागत है कि पानी बिल्कुल आई और बहुत ज़्यादा आई। बाढ़ के पानी पहला बार हमने के क्षेत्र में नहीं आई, एक पहले भी बहुत ज़्यादा बाढ़ के पानी हमने के क्षेत्र में आई बटे। और ये तो अभी पानी बढ़ता हल्का हल्का बढ़ गई, बाद वाला भी ब्लॉग हम बना कर रुबा सब देखाई। हमने के क्षेत्र में बाढ़ के पानी बहुत ज़्यादा हो जाला, तो ये जो बांध दिखाई देता टे बांध पे मतलब कि हर एक जगह पे जो भी लोग घर में पानी घुस जाला वो लोग आके बांध पर रह जाला। और हमने के बांध पर ही भंसा चलेला, हमने के क्षेत्र में कोई भंसा चलेला वो सरकार के द्वारा अलॉट होला और वो में चावल दाल पूरी सब्जी सब बनेला। जो भी लोग बांध पर रहेला मतलब कि बाढ़ से ग्रसित जो भी लोग रहेला वो जब भोजन करेला वो सब भी ब्लॉग हम बना के दिखाई देती बाढ़ के पानी पूरा आ जाए। तो चलिए अभी हम लोग के देखा बताने कि ये देख लिए इन्हें भी पानी और ये साइड में भी पानी। और अभी ये साइड के पानी की स्थिति कुछ ज़्यादा ही बेकार लग रहा था। अभी हम घूमते घूमते आ गई बनी कंता भैया का डेरा पर। और ये बड़ा कंता भैया के लड़का और हिजा देखी कितना बढ़िया व्यवस्था पर बैठे वाला और हवा भी बहुत तेज चलता है हिजा। और उन्हें एगो स्कूल बस खड़ा भी है। और ये देखी कंता भैया का डेरा है और डेरा का नज़ारा तनी रुआ सब कुछ दिखा देता ने। उन्हें भी इनकर बागान बाटे, उन्हें ये खेती करा लेन। और ये बाटे इनकर शेड और ये हटे कंता भैया के एगो गुमटी जो उनकी मन बजावे खाती खाली खोल दिले बड़न। और यहाँ देखी चिप्स कुरकुरा ठंडा और पेट्रोल सब कुछ मिलेला। तो ये बात है कंता भैया का डेरा। अभी हम कंता भैया के डेरा पर जो गुमटी भी आया वापस एगो खरीद जीरा पकौड़ी। जीरा पकौड़ी ठीक ना रही एने मूंग दाल दूगो मूंग दाल दे दिया। तो और अभी हम दूगो मूंग दाल खरीद ले बने। और ये बटे कंता भैया का डेरा, एजा देख ली कि पेट्रोल भी बा, इमरजेंसी में रात बिरात कवर हुआ है तो एजा सब कुछ मिल जाइए। कंता भैया का डेरा पर से हम खरीद के मूंग दाल और बढ़ गई बनी घर के तरफ में। और अब हम जाते नहीं घर है और आज हम नी के जाए वाला बनी जा गाँव जमैनिया। तो वहीजा के जाके रुआ सब के ब्लॉक देखाई। वहीजा कटान बहुत ज़्यादा होता, घर के घर पानी में समाहित हो मतलब कि समा जाता थे। तो वहीजा पहुँच के रुआ सब के ब्लॉक देखाई। तो आज के ब्लॉक के समाप्ति ये होता। बाकी जे लोग हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर ली रुआ सब। और मिला तनी अगला ब्लॉग में वो जवैनिया कटान जो जवैनिया बा वहीजा के कटान के वीडियो लेके। धन्यवाद।